ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह के लिए वो सॉफ्टवेयर नहीं बना है, है, जितना की की आवाज में हो रहा है, की आवाज में में यूज यूज हो हो रहा अरिजीत भी मैंने जब गाना किया था हैदर के साथ ना, उस बंदे ने एक महीने मेरे को वीडियो कॉल पे वो गाना सिखाया मैंने बोल भी दिया मैं आ गया नहीं देर टैलेंट एंड आर्ट आई वॉज एन इंडियन आइडल

तुझ को पुकारे तेरी परछाइयां रिटेक करते हैं आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली अंजलि श्रीवास्तव कैसी हैं आप बहुत खूबसूरत हूँ मैं आई हैव हर्ड कि आप एक दो रेडियो स्टेशंस में आपने एज अ रेडियो जॉकी भी काम किया है कट टू uh, You know, so, it. uh, आवाज़ शायद uh, एक, एक जर्नी होती है एक इंसान की जब आपको पता चलता है आप क्या क्या कर सकते हैं या आप किस काबिल हैं hmm. तो रेडियो ने मुझे ये बताया कि एक खूबसूरत आवाज़ है मेरे पास hmm. तो मैं इसके काबिल हूँ डेफिनेटली कि मैं किसी से बात कर सकूँ और uh, उस बात को बड़े प्यारे खूबसूरत ढंग से कह सकूँ सो दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ रेडियो एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि कॉलेज से निकलते ही पहली नौकरी जब आपने रेडियो से शिफ्ट किया टूवर्ड्स कॉरपोरेट और जब आप अपने शुरुआती जब आप गिग्स करते थे जब आप गाना गाते थे तो तब आपको क्या फीडबैक आता था कि आपकी आवाज़ के टेक्सचर को लेके आई हैव बिन अज रिजेक्ट ऑल माई लाइफ अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो रेडियो में सिर्फ बोलना अलाउड था गाना अलाउड नहीं था हाँ hey. जब भी स्टूडियो जाएंगे कोई जिंगल आया बाय चांस आई थिंक द ओनली जिंगल आई डिड वाज़ फॉर फोक्स इन माय इंटायर करियर ऑफ रेडियो आई वाज़ इन इंडियन आइडल थ्री एंड आई वाज़ रिजेक्टेड बेसिकली एज टॉप फिफ्टी फाइनलिस्ट बिकॉज आई क्रैक्ड इन वन ऑफ द लाइन्स दैट आई वॉज सिंग आई सिंगिंग अ बागबान्स टाइटल ट्रैक एंड आई क्रैकड इन बिटवीन so it was the end for my uh, Indian Idol journey COVID अच्छा अच्छा best uh, time. best best time I think tracks उसी दौरान निकले became a super -duper hit, yeah. और, uh, I think वहाँ से आपकी आवाज को एक पहचान मिलनी शुरू हुई yeah. and since then there was no looking back सो वट इज अर्नी ऑफ गदिया उसका उसके पीछे की क्या कहानी है जीरो कहानी है अच्छा जीरो कहानी इसलिए है राहुल क्योंकि जब हम बिल्कुल जीरो होते हैं हमें कुछ नहीं पता होता ना hmm. तो हमारे सारे एफर्ट्स hmm. बिल्कुल ऐसे लेमैन के तरह होते हैं तो हमने आ, गाने को रिक्रिएट किया वो गाना मैंने अपने घर में अपना माइक लगा के डब किया हुआ है oh. म्यूजिशियन सारे घर में आए एक एक करके गिटार घर पे डब हुआ है सिर्फ uh, ड्रम्स हमने बाहर डब करे हैं। बाकी सब कुछ एवरी पे एंड uh, इतना uh, हमें बस ये करना था, हमें एक गाना बनाना था हमें और कुछ भी करना था गाना जब बन गया मिक्स मास्टर हमने खुद किया है There is no engineer who is Aouni, आपकी लाइफ में वो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने अपने मन में वो डिसाइड कर लिया था कि यार नहीं बस अब

आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट तो अभी बात हो रही है इस गाने की तो फोर मोस्ट शॉट्स से ये गाना दिन शगना का एक दो लाइंस जो आपकी फेवरेट है वो हो जाए दिन शगना दा आओ सखियों नी वेड़ा सजे आ मेरा सजना मिले आ सजना मिलड़ बधाइयां निसाजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया बेड़ा सजिया बेड़ा क्या बात है क्या बात है रेंज देख रहे हैं आप बहुत <laughs> ही अमेजिंग बहुत ही बढ़िया वाइल ग्रोइंग अप वी आर ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय सर्टेन पीपल आप Uh, किसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड uh, थी या इंस्पायर्ड थी कि मतलब इनकी सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और इनके गाने अच्छा यस yes, uh, आबिदा परवीन जी को खूब बैक ऑफ द माइंड सुना है अगेन थैंक्स टू माय पेरेंट्स रेखा भारद्वाज जी को हमने बहुत सुना है

पर मैं वो कर नहीं पा रही थी मैं थक रही थी आई वॉज़ ड्रीनिंग माई सेल्फ तो मुझे बहुत मज़ा आया जब दिव्या जो मेरी को फाउंडर है इसमें को पार्टनर भी है आ, उसने कहा कोई बात नहीं तुझे खड़े होकर नहीं गाना तुझे चेयर पे बैठ के ऐसे अपराइट नहीं गाना आलती पालती मार के बैठना अच्छा लगता है वैसे बैठ जाए यार वैसे बैठ के गा वैसे बैठते हैं अपन दोनों हाँ बहने ऐसे बैठेंगे मैं कहा यार ये गिटारिस्ट और तबले वाले को भी नीचे ही बिठाते हैं ना <laughs> क्योंकि मुझे मेरे को नुसरत साहब की कवाली के अलावा किसी और की कवाली में मज़ा नहीं आता तो जब मैं वो गाती हूँ तो मैं इमेजिन करती हूँ कि नुसरत साहब के जैसा गाना है मुझे तो मैं भी वो पावर आ जाती है आलती पालती मार के wow. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ द डिफ्रेंशिएटर मैं सूफ़ी कर रही हूँ फोक कर रही हूँ टिपिकल कवाली फॉर्मेट में कर रही हूँ मैं खड़ी नहीं होती मैं ना नाचती हूँ मैं कुछ नहीं करती मैं वहीं बैठती हूँ ताली बजाने के लिए बैकिंग कोई नहीं है मैं ही हूँ गाने के लिए भी मैं ही हूँ ताली के लिए भी मैं ही हूँ बैकिंग भी मैं अपनी खुद की ही करती हूँ और आलाप भी खुद ही ले लेती हूँ और मेरी जो दिव्या है वो साथ में मेरे लिए एफ आएम फिफ्टी इज़ फिफ्टी पोएट्री नरेशन वो करती है साथ में और मैं हम दोनों एक दूसरे की बैकिंग करते हैं जब वो पोएट्री करती है तो मैं आलाप के साथ oh. उसकी बैकिंग देती हूँ wow. जब uh, मैं गा रही होती हूँ तो वो मेरे को सिग्नेचर uh, के साथ बैकिंग देती wow. है When do you choose your songs? तो आप कोई चीज देखते हैं कि मतलब मुझे, uh, मुझे मुझे मुश्किल गाने ही लेने हैं या मुझे uh, मुझे ऐसे गाने लेने ऐसे गाने नहीं लेने जब आपके पास कुछ सॉन्ग्स आते हैं तो uh, आपके कुछ फिल्टर्स होते हैं हाँ ब्रैकेट ऑफ सूफी And folk. And, uh, अगर मैं और बनाती हूँ तो या तो सैड uh, होता है या रोमांटिक होता है बिकॉज आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट डू यू थिंक इन इन अ वे इसमें वो लोग जो बहुत मेहनत करके uh, इस मुकाम तक पहुँचे हैं वर्सेज uh, ये लोग uh, जो एक शॉर्टकट से पहुँच रहे हैं तो डू यू थिंक इज फेयर सॉफ्टवेयर भी ना राहुल तब काम करते हैं जब आपके में एक कला है सॉफ्टवेयर्स इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द पीपल के साथ वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होता है ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह के लिए वो सॉफ्टवेयर नहीं बना है या नहीं यूज़ हो रहा है उनकी आवाज़ में और आंचल श्रीवास्तव की आवाज़ में यूज़ हो रहा है नहीं जितना आंचल की आवाज़ में यूज़ हो रहा है उसके प्लग अलग होंगे पर अरिजीत की आवाज़ में भी वो यूज़ हो रहे हैं तो डिफरेंसेज uh, कि ये जो दुनिया में आप डाल रहे हो hmm. उसमें आपकी मेहनत और आपका टैलेंट कितना है और सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल टेल्स द पर्सन फिर आपके आगे hmm. चॉइस है मेरे को तो याद है कि मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें uh, वो कौन सी थी धूम hmm. उसमें एक एक्टर थे उदय उदय चोपड़ा कहाँ है आई थिंक ही गुड क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ

द ओनली कोलैबोरेशन आई थिंक जो मैं ड्रीम करती हूं टॉकिंग अबाउट अबीदा परवीन जी आपने कोक स्टूडियो के कुछ आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब uh, किया है जी नाउ यू नो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इट्स एन इटर्नल डिबेट ऑनगोइंग डिबेट है uh, कि वहाँ के सिंगर और यहाँ के सिंगर्स आपको एक एक एक, एक अगर मेजर डिफरेंस बताना हो तो वो क्या हो रियाज रियाज और डेडिकेशन गजब है वो लोग वो सुबह अगर वो सिंगर हैं तो वो सुबह भी एज अ सिंगर उठते हैं और वो सोने के वक्त भी एज ए सिंगर ही अपने रूम की तरफ जाते हैं वो नहीं वो वो अपने आप को अपनी कला को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं वो पूरे बैंड के साथ इतनी मतलब इतनी मेहनत इतनी मुशक्क़त करते हैं हम क्या करते हैं मैं आई हूँ पच्चीस को मेरा शो है मैं दो दिन बाद रिहर्सल करूँगी एक और उसके बाद सीधा शो पे मिलूँगी अपने बैंड से वहाँ पे मेरे को मैंने जब गाना किया था हैदर के साथ ना उस गाने में उस बंदे ने एक महीने मेरे को वीडियो कॉल पे वो गाना सिखाया मैंने बोल भी दिया मैं आ गया हैदर मुझे आ गया नहीं नहीं अब आज आपका मन्नू भाई के साथ सेशन है उनके साथ करें मैं कहा हो गया भाई बेसिस्ट के साथ क्या सेशन करूँ मैं कहते नहीं नहीं आपको करना होगा उनको पता होगा कि आप क्या गाएंगी कब मैं कहा रिकॉर्डिंग है सुन लेंगे

मुझे उनके उनकी कला में उनके स्टेज में उनके प्रेजेंस में मिट्टी की खुशबू आ जाती है गुरदास मान साहब ले लें सतेंद्र सरताज जी ले लें जसविंदर नरूला जी ले लें ये सब कहीं भी कभी भी कैसे भी मिल जाए आपको मुझे लगता है कि मैं उनके शहर पहुंच गई तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ them। चलिए एक छोटी सी महफिल एक गाना जो हमारी फरमाइश आई हुई आपके लिए इस कबीरा। जाते जाते हमारे लिए वो भी गा दीजिए मजा आ जाएगा गुड़िया गुडिया तेरा गुड्डा पर देसिया जूड़िया हो गई शगं देखो शाद मानी हो गई रे कबीरा मान जा

ਹੋ ਗਾੜੇ ਬਚਣ ਦੋ